हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके नाम पे कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, यदि आपको नहीं पता है तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलते हैं आपको। दोस्तों, जो बताने वाले हैं ये आप अपने पीसी या लैपटॉप से या फिर अपने स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ब्राउज़र ओपन करना है। कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। आप अपने मोबाइल के भी ब्राउज़र में ये सर्च कर सकते हैं जो आपको बताने वाले हैं। फिलहाल सिस्टम का ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे टाइप करना है टैब कॉप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये टाइप करने के बाद पहले लिंक पे क्लिक करना है। इसका URL डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके आप खोल सकते हैं। तो इस वाले लिंक पे क्लिक करते हैं। ये पोर्टल है टेलीकॉम एनालिसिस फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जी हाँ दोस्तों, इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों, कुछ इस तरीके से इसका होम पेज शो कर रहा है। अब यहाँ पे शो कर रहा है टेलीकॉम एनालिसिस फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कुछ इस तरीके से है। और दोस्तों, बताना चाहूँगा, सबसे पहले इस फैसिलिटी का यूज़ स्टार्टिंग में 3-4 स्टेट के लोग यूज़ कर सकते थे। अब बहुत सारे स्टेट के लोग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे करना है आपको इंटर मोबाइल नंबर। दोस्तों, बेसिकली होगा क्या, कोई एक मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे, OTP जाएगा और OTP एंटर करने के बाद उसी एक मोबाइल नंबर के ज़रिए आपका पूरा डेटा यहाँ पे खुल के चला आएगा। आपके नाम पे कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होंगे, ध्यान देने वाली बात यह है, वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड होगा। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डालते हैं और OTP ले लेते हैं। OTP डालने के बाद यहाँ से वैलिडेट कर लेते हैं। दोस्तों, OTP वैलिडेट करने के बाद कुछ इस तरीके से शो कर गया पेज। आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 नंबर रजिस्टर्ड हैं, यहाँ पे शोइंग 7 नंबर्स। कुछ इस तरीके से नंबर शो कर रहे हैं और हर एक नंबर में यहाँ पे ऑप्शन भी है। अगर ये नंबर आपका नहीं है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट माई नंबर, नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं दोस्तों, यू मे चूज सेलेक्ट नंबर दैट आर नॉट इन योर नेम और नॉट रिक्वायर्ड, सबमिट योर रिपोर्ट। कहने का मतलब ये है दोस्तों, यदि इसमें से कोई भी नंबर आपका नहीं है तो आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे नाम डालेंगे और रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे रिपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि लगभग सभी नंबर्स हमारे ही हैं, मान लेते हैं दोस्तों, जैसे कि ये नंबर नहीं है तो दिस इज़ नॉट माई नंबर, प्लीज़ सेलेक्ट द नंबर। इस पे क्लिक करते हैं रेडियो बटन पे, और दिस इज़ नॉट माई नंबर, इस पे क्लिक करते हैं। अगर हम सब रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सबमिट नहीं होगा। यहाँ पे आपको नाम डालना होगा, जो नाम आपका है वो नाम यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे नाम टाइप कर देते हैं। दोस्तों, ये पोर्टल वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही रिपोर्ट करेगा। तो हम नाम टाइप कर दिए और रिपोर्ट पे क्लिक करना है। रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप इसको रिपोर्ट कर पाएंगे। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिपोर्ट सबमिटेड, टोकन ID नंबर इस, ये नंबर है, और ओके कर देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पे कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं, सिंपल मोबाइल और OTP के थ्रू। दोस्तों, ये होता कैसे है, जैसे कि आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करके OTP ले लेते हैं तो आपका मोबाइल नंबर जो है
आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, उस नाम से कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है ये पोर्टल चेक कर लेता है, तो आपको यहाँ पे पोर्टल में शो कर जाता है। इस तरीके से आप पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। यदि आपके पास ऐसा भी नंबर है जो आप जानते नहीं हैं, तो दोस्तों इस तरीके से आप रिपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों जानकारी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे जितने भी नए नए वीडियोस अपलोड हों आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। दोस्तों मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ।